एस्टिमेशन करेंगे. हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन हमें करना होता है जनरली हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल को चेकआउट करने के लिए. इसका मैनुअल मेथड है सालीज मेथड, जिसके लिए रिक्वायरमेंट्स है हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, दैट इज़ इन एन बाई टेन. उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर, ड्रॉपर, ग्लास रॉड, ये होता है हमारा कंपेरेटर बॉक्स जो कि जिसमें कलर है. जब हम इस ट्यूब में सॉल्यूशन अपना मेंटेन करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो इस जो कंपेरेटर बॉक्स का कलर है इसके बेसिस पे हम कंपेयर करके अपनी हीमोग्लोबिन की वैल्यू निकालेंगे. एंड दिस वन इज पिपेट, ये हमारे पास टिप्स है और ये हमारा सैंपल है जिसका हमें हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करना है. वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें पता होना चाहिए दिस इज द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या होता है इसका, जब हमारा हीमोग्लोबिन रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो वो एक प्रोडक्ट बनाता है दैट इज एसिड हिमैटिन. वो प्रोडक्ट जो है ब्राउन कलर का होता है और वो ब्राउन कलर हमारा इस कंपेरेटर बॉक्स से मैच करता है. तो वेरी फर्स्ट थिंग जो करेंगे इसके लिए, हमें इस ट्यूब में अप टू 20 मार्क हमें इसमें ये 0.1 यानी एन बाई 10 HCl डालना है. तो पहले में डाल देते हैं लगाते हैं हम लोग. मैंने साल से रखा है कि सूरज
ग्राइंड किया, देन अगेन विल मिक्स इट प्रॉपरली. हम इसे मिक्स करेंगे, फिर आपको वापस कंपेरेटर बॉक्स के साथ इसका कलर मैच करना है. अगर आप इसको देखोगे तो ये अभी भी लिटिल बिट डार्क है. हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें ज़्यादा चेंजेस ना हो, ज़्यादा वेरिएशन ना हो, बिल्कुल कलर सेम होगा. अगर अभी आप देखो तो बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है कलर डिफरेंस, तो हमें इसमें थोड़ा वेरिएशन वाटर और ऐड करना है. उसको मिक्स किया. अब हम जब इसको रखेंगे तो अब आप अगर देखो तो कलर बिल्कुल मैच है, मैचिंग कलर. अगर आपको किसी भी सिचुएशन पे ऐसा लगता है कि इसमें डिफरेंसेस हैं तो उस टाइम पे आप एक ड्रॉप मिस्टिक वाटर और ऐड कर सकते हो. और तभी कंफ्यूजन है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप इस तरह से लाइट के फॉर्मूले को मैच करो. अगर बैक से लाइट आ रही है तब अगर आप मैच करते हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. अब अगर हमने जैसे राइट की तरफ इसे रखा तो आप देखते हो तीनों बिल्कुल सेम है, कोई कलर डिफरेंस नहीं है. ठीक है, देन हमें ट्यूब निकालनी है, ग्लास रॉड हटाया और हमें हीमोग्लोबिन की वैल्यू देखनी है. इस पे जब भी आप हीमोग्लोबिन का वैल्यू देखते हैं तो इस मिनिस्कस को से देखिए. ठीक है, जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी इट्स 10 और 12 के सेंटर में है. 10 और देखोगे आप तो 8 के इसमें आपके 3 ही एयर पॉइंट्स हैं, 3 छोटे मार्क्स हैं. तो जो बड़े वाला मार्क है हमें उसको 8 काउंट करना है. जैसे 10 तो बड़े वाला मार्क 11, इसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डेसीलीटर.